हे गाइस, वेलकम टू आवर शॉर्ट्स गीतांजलि हिल्स। आज टॉपिक लेके आई हूँ कि उनकी फीलिंग तब आपके लिए क्या थी जब भी आपसे मिले थे, उनकी फीलिंग आपके लिए अब क्या है, कौन से बदलाव आप में ऑलरेडी आए हैं या फिर कौन से बदलाव आपको आप में आपके अंदर लाना ज़रूरी है, और आर्कएंजल माइकल की क्या गाइडेंस आपके लिए है। आज मैं देखूँगी, कोई क्लेरिफिकेशन वगैरह आपको मैं गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे लगता है तो मैं क्लेरिफाई करूँगी, अदरवाइज देखते हैं। आज मैन एनर्जी से ही जाके देखते हैं। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे, इनके पर्सन जब इनसे मिले थे तब ये मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते थे। आप एक लॉयल पर्सन हो, आप पे पूरा भरोसा किया जा सकता है, आप एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, आप ऐसे फ्रेंड हो जिनसे ये अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। ओल्ड वुमन मींस, देखिए आप भले आपके एज कुछ भी हो बट आप बहुत मैच्योर्ड हो, जैसे कि बहुत हमारे बुज़ुर्ग लोग रहते थे, ये लोग जितने मैच्योर थे ऐसी आपकी मैच्योरिटी है। किसी फ्रेंड थ्रू आप मिले हो, शायद आप अपने पर्सन से पेट लवर आप हो सकते हो। आप में बिल्कुल भी झूठापन नहीं है, आप झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप बहुत क्या बोलते डटे रहते हो अपनी हर चीज़ पर, अपनी हर बात पर। अड़े नहीं बोलूँगी मैं, डटे रहते ऐसे बोलूँगी। लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ से आप लगातार अपने लाइफ में उदास रहे हो, मायूस रहे हो, बट फिर भी आप अपनी सिचुएशन पे डटे रहे हो। आपने कभी हार नहीं मानी, बड़ी हिम्मत वाले पर्सन आप हो। कैट लवर, डॉग लवर आप हो सकते हो। आपसे मिलकर लोग हील होते हैं, या फिर जब आपके पर्सन आपको मिले उस वक्त आपकी बहुत सारी हेल्थ इश्यू चल रही थी। दृढ़ निश्चय वाली पर्सन हो आप, सो दृढ़ बिल्कुल, हार नहीं मानते हो आप। सर्वेंट की एनर्जी, आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो अपने लाइफ में। अभी सामने वालों को क्या बोलूँ मैं, भाई इतनी जोर से मैं चीखो। लवर, प्यार करने वाले आप पर्सन हो। सर्विस, देखिए इतना मैं समझ में आ चुका है मुझे। फोर, ओवरऑल एनर्जी आपके लाइफ में, आप अपनी हर ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है। आप अकेले आपके लाइफ के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अब आप वाइफ हो, मदर हो, वाइफ हो, फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है। और ऐसा नहीं कि आपको प्यार करना अच्छा नहीं लगता, आप प्यार भी करते हो लोगों से, बट मुझे लगता है आपको आपके प्यार में झूठा झूठापन मिला है। मीन्स आपने जिस पर्सन से प्यार किया है ना, वो पर्सन झूठा निकला। अब आपने फिर भी अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से निभाई है। कर्तव्य में आप बिल्कुल लॉयल हो, ड्यूटीज़ में बिल्कुल लॉयल हो, और डेडिकेटेड हो। जो भी काम आपको दिया गया है वो आपने बड़ी आसानी से तो नहीं किया है, कितनी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपकी खुद की भी हेल्थ अच्छी नहीं थी। लाइफ में आपने एक सच्चे फ्रेंड की आपको हमेशा तलाश रही है, एक ऐसे समझदार फ्रेंड की आपको तलाश रही है जो आपके लाइफ का दर्द बांट सके,
आपकी मायूसी दूर करे आपके लाइफ के। अनफॉर्चुनेटली आपको हमेशा झूठे लोग ही अपने लाइफ में मिले। आपने हार कभी मानी नहीं, आप हमेशा डटे रहे। जैसे सुबह होती है आप अपने कामों में लग जाते हो, अगर फैमिली है, पति है, बच्चे हैं तो उठना है, टिफिन करना है, बच्चों के लिए टिफिन करना है, जॉब है तो फिर काम पे जाना है, दिन भर काम करना है, फिर शाम को आना है, किसको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कोई बीमार है, कोई क्या परेशानी है, सब कुछ देखना है। और ऐसे में अगर आपके स्पाउस है, स्पाउस से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो स्पाउस से आपको कुछ नहीं मिलता है, वो सोनापन, वो अकेलापन लाइफ में आपका रहा है। रात में जब भी रहते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप फिर भी जी लेते हो। अब विदाउट एक्सपेक्टेशन जीना मतलब एक्सपेक्टेशन है बट उसको दबाना, उसको किसी के ऊपर जाहिर नहीं हो देना। बट जब ऐसे एक्सपेक्टेशन दबा के जीते हैं तो वहाँ से एन्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग कम से कम एक सच्चा साथ तो डिज़र्व करते हैं, कि हमें वो भी नसीब नहीं। ये बातें आपको अंदर से खाई जाती है। बट इस ये जो सुन्नापन आपके लाइफ में है, अब हस्बैंड है, स्पाउस है, बच्चे सब है, सब कुछ है, बट फिर भी ये जो सुन्नापन है उसका इफेक्ट कभी आपके ड्यूटी पे ऊपर नहीं आया। अब आप वर्किंग है या फिर हाउस होल्डिंग काम कर रहे हो, वो आपने बड़ी आसानी से की। इसीलिए आपका दर्द, आपका पेन कभी सामने वाले को दिखा नहीं। अगर आप मैरिड पर्सन हो और आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है जिसको लाइफ में, इस तरीके से जिसको घुटन हो रही है, ऐसे में आपको ये पर्सन मिले हैं, ये पर्सन आपको थ्रू फ्रेंड मिले हैं आपकी, या फिर आपकी पहले अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पर्सन से ज़्यादा घुल मिलने लगे वैसे वैसे आप हील होने लगे, आपको अच्छा लगने लगा इस पर्सन से मिलकर, इस पर्सन से बातें करना। और जब आपके पर्सन को आप मिले तब आपके पर्सन ने ये सारी बातें आप में नोटिस की कि आप इतने अच्छे डेडिकेटेड पर्सन हो, समझदार हो, पेशेंस हो, किसी के ऊपर अपना ज़्यादा बोझ नहीं डालते हो, आप लोगों का बोझ कैरी करते और खुद का भी बोझ आप कैरी करते हो, बट खुद के लिए टाइम ही नहीं आपने दिया, और ये अकेलापन बढ़ते बढ़ते आपका इतना बढ़ गया। तो ऐसे में ये पर्सन आपका हमसफ़र बनने की इन्होंने कोशिश की, कुछ हद तक इस पर्सन ने आपको बहुत सहारा भी दिया। ये पर्सन हो सकता है आप कहीं काम कर रहे हो, यहाँ पे ये पर्सन आपको मिले हैं, या फिर थ्रू फ्रेंड मिले हैं। बट ये पर्सन डेफिनेटली एक हीलर के तौर पर इस पर्सन ने भी आपकी बड़ी मदद की है। आपको सुकून मिलता था इस पर्सन से बात कर कर, अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर कर कर, इनको आपको सुकून मिलता था। और आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम तक चला है, सालों तक चला है। कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी ज़रूरी है तो मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे फॉल्सनेस की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, आपको आपकी लाइफ को बैलेंस करना था, क्योंकि झूठे लोगों से आपकी लाइफ बिल्कुल भरी हुई थी। ये पर्सन आपके लाइफ में एक उजाला लेकर आया है। जैसे ये पर्सन आपको मिला, इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, आपका जो लाइफ था बहुत इम्बैलेंस था, तो आपके लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपको वो सारी खुशियाँ देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको मिले। अब मैं देखती हूँ ये पर्सन अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
क्या कहें माइकल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं ये पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में अब क्या सोच रहे हैं। गिविंग एंड रिसीविंग, शोर ऑफ अबंडेंस, ग्राउंड योर सेल्फ, स्टेडी प्रोग्रेस, डे ड्रीम, ब्लेसिंग इन डिस्कस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्सेप्टेंस, फैमिली। बहुत अच्छा सोचती है पर्सन आपको लेकर। और एक शेयर, रिवार्ड योर सेल्फ, हार्ट चक्र, एंटरप्रेनर। जी, आपके पर्सन इस वक्त भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। देखिए क्या जर्नी थी आपकी, मुझे लगा था कि मुझे एक स्प्रेड निकालने की ज़रूरत है, बट मुझे नहीं लगता मुझे एक स्प्रेड निकालने की ज़रूरत है। अब मैं देखती हूँ आपकी जर्नी आपने कैसे कैसे की, और आपकी जर्नी देखकर आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सॉरी, देखिए लाइफ में इस पर्सन का आपको सपोर्ट मिला, एक इमोशनल सपोर्ट मिला। इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक सहारा दिया, आप इस पर्सन ने आपको बैलेंस किया, और जब इस पर्सन ने आपको बैलेंस किया तो धीरे धीरे आपने अपने लाइफ में एक प्रोग्रेस लानी शुरू कर दी। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने गिविंग एंड रिसीविंग वाला जो आपका प्रोसेस था इसको बैलेंस किया। अब देखो क्या होता है ना, हम जब लाइफ जीते हैं हमें खुद नहीं पता, लाइफ हमारा जीना ये सबसे बड़ा एनर्जेटिकली साइंस है। यहाँ पे हम सांस भी लेते हैं, सांस भी छोड़ते हैं, इसके पीछे भी एक साइंस है। हम बोलते हैं कि हम इतने साल जिएंगे, हम उतने साल जिएंगे, असल में हमारा सांसों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम कितनी सांस तक हमें क्या महसूस किया जाएगा, यूनिवर्स हमें क्या फील करवाएगा, और कितनी सांस होने के बाद हमें क्या बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, कौन सा पर्सन हमें मिलने वाला है, कौन सा पर्सन हमें राह दिखाने वाला है, ये सारी सारी बातें तय होती है। इट्स जस्ट अ साइंस। इसको मैं एनर्जेटिकली साइंस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करके आते हैं ये विज्ञान, इसलिए मैं बोल रही हूँ एनर्जेटिकली विज्ञान बोली मैं, हमारा वाला विज्ञान नहीं बोल रही। हम जब एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना तो सारा तय उसमें होता है, और जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं हम तो भूल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर करके, और हमने जो बोल दिया कि ये पर्सन मुझे मेरे साथ ऐसा करेगा, फिर ये मुझे मिलेगा, फिर ये मुझे सहारा देगा, अब मैं इस पर को इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी और ज़्यादा मैं इस पर निर्भर हो जाऊँगी, तो यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा कि जिससे मैं फिर से अपने पावर में आ जाऊँगी। तो ये तय हो गया, हमने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, अब हम भूल गए, अब यूनिवर्स तो नहीं भूला, तो यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट याद है, तो यूनिवर्स हमारे साथ वो चीज़ें करते हैं ताकि हम अपने पद पर आए। अब फिर भी नहीं आते, फिर भी हम हमारे कर घास चरने के लिए चली जाती हैं, फिर यूनिवर्स को हमारे ऊपर टावर डालना पड़ता है, हमारी मरम्मत करनी पड़ती है, तब जाके हम रास्ते पे आते हैं। तो यही चीज़ें आपके साथ भी हुई। अब आपका प्रॉब्लम क्या था ना, आपको बोला गया था कि आपको गिविंग एंड रिसीविंग चीज़ों को बैलेंस करना है। अब आपने क्या किया, अब आने के बाद हम हर किसी को सर्व ही करते जा रहे, सर्व ही करते जा रहे। अब बहुत कबूतर हो गए गाइस हमारे घर पे, पता है आपको, छोटे छोटे कबूतर हैं ना, उन्होंने अब उनके बच्चे भी होने वाले हैं, और मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करते, मुझे अच्छा लगता है, ये दूसरी बार हो रहा है, चहक पहक फिर से होगी बच्चों की। तो चलिए राइट डाउन द टॉपिक। अब आपका क्या था ना कि आप लाइफ पे आपने आए और आपने ये जो चीज़ें थी आपको बैलेंस करनी थी, गिविंग एंड रिसीविंग, ये आपने की नहीं। आप हर रिश्ते को देते जा रहे, भले ये रिश्ता
आपका इस पर्सन के साथ भी है जिसने आपको सपोर्ट किया। अब इसका आपको सपोर्ट करना ये भी तय था, ये आपको मिलेगा क्योंकि किसी न किसी लाइफ में आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया होगा। अब वो अपना इक्वल बैलेंस करने के लिए आपसे जुड़ा है, बट आपका क्या है ना, आप इस लाइफ में भी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ऑलरेडी जो फेक रिश्ते हैं जिनके लिए जितना करना ज़रूरी था, आप उसके परे जाकर सब रिश्ते के लिए सर्व कर रहे हैं। अब आपको सिखाना है लेसन, आप नहीं सीख रहे। कई यूट्यूब वीडियो आपके सामने आ गई, सेल्फ लव क्या है बताया गया, आपके सामने कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी आई होगी, आपने इधर इधर सुनी, उधर से छोड़ दी, आपने इम्प्लाई कुछ किया नहीं। फिर यूनिवर्स क्या करेगा, फिर यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसा पर्सन उन्होंने ला दिया, इतनी तकलीफ़ें डाल दी, तकलीफ़ें डालने के बाद एक पर्सन ला दिया। अब ये पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आप इसकी बात मानने लग गए। बट इसके बाद मानते मानते आपने फीस इस पर्सन को भी एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। बट यूनिवर्स बोलते ना, ये तो नहीं करना है आपको, आपको उतना ही देना जितना ये लेने के लायक है। फिर आप में क्या हो गया ना, थोड़ा थोड़ा आप में अवेकनिंग शुरू हो गया, क्योंकि आपका लाइफ अबेंडेंस है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट चीज़ें ब्लॉक यही करती थी कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें, इसको मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टच इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको हर रिश्ते के अंदर की गहरी भावनाएं, इनका रियल ट्रूथ, रियल चीज़ें आपको समझ में आए, इसीलिए मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टच, स्पिरिचुअल ट्रूथ आपको बताकर आपको थोड़ा और ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका धीरे धीरे ग्राउंडिंग होना शुरू हो गया इस पर्सन मिलने के बाद, आपने थोड़ी थोड़ी अपनी प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी और पहली बार ही सही आपने अपने लिए सपने देखना शुरू कर दिया। फिर आप अपने एनर्जी में आना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा आना चाहिए, खुद के लिए सपने देखना शुरू कर दिया, खुद के लिए आपने जीना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर एंजल हो या फिर डिवाइन की पावर हो इससे जुड़कर अपने सपने अपने लाइफ में अबेंडेंस लाना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मैं जो आपको बोल रही हूँ उस एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आ गए। भले ये वीडियो सुनने के बाद आपको कुछ हद तक क्लैरिटी आ गई, फिर आपके लाइफ में जैसे आपको समझ में आता है कि ये पर्सन का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए सब कुछ कर रहा है, तो ये जो जलन होती है, ये जो ट्रस्ट इश्यू होते हैं, जो ईगो होता है, ये जो एंगर होता है, ये धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। और ईगो, एंगर, जलन, ट्रस्ट इश्यू, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे वापस इस पर्सन के साथ कर्मा बढ़ाते हैं। अब आपने चीज़ें समझ ली, आपने चीज़ें जान ली, भाई ये तो ऐसा निर्धारित था, ये तो तय था, ये तो सब अपने हिसाब से चल रहा है, इसमें यहाँ पे किसी का कुछ लेना देना है नहीं, चीज़ें मुझे ही संभालनी है, मुझे ही बैलेंस करनी है। जब आप एक एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आते हो तब आपकी प्रॉपर ग्राउंडिंग होती है, जो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्राउंडिंग होते हो तभी आप अपने आप को बैलेंस करते हो, तभी आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हो। और ग्राउंडिंग होने के लिए आपने एक्सेप्टेंस आना, चीज़ों को समझना, उसको स्वीकार करना ज़रूरी है, ये आप कर लेंगे। बातें ये थी कि आपको कुछ ब्लेसिंग अच्छी मिलती है, कुछ आपके लिए नहीं मिलती है, तो चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है ये यूनिवर्स आपको देंगी। और वो यूनिवर्स भी आपको कब देंगी, जब आप यूनिवर्स के तरीके से चीज़ें फॉलो करेंगे तब यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें देंगी। अब आप बोलेंगे भाई मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो इतना ना तो आपका काम है, इतना ना तो आपका कर्मा है, तो यूनिवर्स कैसे देंगे, यूनिवर्स भी आपको उतना ही देंगे। तो आप उस चीज़ों के पीछे का साइंस, इसलिए मैंने साइंस वर्ल्ड बोला, ये आप थोड़ा जानना सीखिए। और आपने ऐसा किया, मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं इन्होंने अपनी जर्नी ऐसी की और इसके बदले में आपको मिला है यूनिवर्स से रिवार्ड। इसके बदले में आपका हर चक्र बैलेंस हो गया, आप लोगों से अनकंडीशनली प्यार करते हो और लोगों से अनकंडीशनल लव आप रिसीव भी करते हो, मीन्स जितना आप दे रहे हो उतना आप रिसीव भी करने में पावरफुल, उतनी पावर आप में आ चुकी है। आपकी फैमिली आपने अच्छे से बैलेंस कर ली और आपके पर्सन आपको ऐसे ही देखते हैं कि आपने कैसे धीरे धीरे कर अपने अंदर बदलाव लाए, अपनी चीज़ें अपने बैलेंस कर ली, अपने फैमिली में काफ़ी सारे इश्यूज थे इसको आपने हील कर लिए और इस वक्त आप एक अबेंडेंस के एनर्जी में बैठे हो। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं, आप दिल खोलकर लोगों को अपने पास जो कुछ भी बांटते देते हैं, अपना अबेंडेंस आप अपने तक नहीं करते, आप लोगों तक ये शेयर करते हो। अगर आप हीलर हो तो
आप अपनी एनर्जी देते हो, अपनी पावर लोगों को देते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों को जोड़ते हो, लोगों तक ये चीज़ें आप ज्ञान बांटते हो, हर चक्र आपका बैलेंस हो चुका है, आप लोगों को सही प्यार करने का तरीका बताते हो, क्योंकि आप खुद एक अच्छी लव एनर्जी में आ चुके हो। नहीं तो आप बहुत जल्दी चीज़ें करने वाले हो। आपके पर्सन आपके बारे में सच में बहुत अच्छा सोचते हैं, भले ये बर्ताव कैसे भी करते हैं, बट जब इनका हायर सेल्फ इनसे जुड़ता है, आपके बारे में बातें करता है, तो आपके बारे में इतने सारे अच्छे दिमाग, इतने सारे अच्छे ख्याल इनके लाइफ में, इनके दिल दिमाग में होते हैं। अब मैंने जानबूझकर आपको थोड़ा यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रूथ बताया, क्योंकि आप फिर मटेरियल वर्ल्ड में जुड़ के इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, प्लीज़ थोड़ा गहराई से ये वीडियो देखिए और थोड़े गहरे चिंतन से जानने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है इससे आपकी लाइफ की समस्या हल नहीं होंगी, पर सच जानना भी ज़रूरी है। आप में क्या बदलाव आने चाहिए या फिर आपने ऑलरेडी क्या बदलाव आ चुके हैं, हम लोग देखते हैं। इससे मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डेथ, आप लोगों में बहुत सारा बदलाव आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुछ चीज़ें थी, कुछ ब्लॉकेजेस थे आपके लाइफ में, आपने उनको हील कर लिया है। डिस्कनमेंट, यस, आपने लाइफ में वो अबंडेंस लाना शुरू कर दिया है। हार्डनेस, डार्कनेस से उभर कर चीज़ें अबंडेंस के और आप धीरे धीरे लेके जा रहे हो। खुद को जान लिया, खुद की जर्नी समझ ली, खुद को समझ लिया, अब आप धीरे धीरे कर जा रहे। थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी भी बोल रहे भाई यहाँ पे, इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपने अपना रिलेशनशिप सेक्सुअली भी बैलेंस कर लिया ऐसा लग रहा है मुझे। सेल्फ लव में तो मेरे दर्शक आ चुके हैं भाई, और जैसे आप सेल्फ लव में आए ना, वैसे वैसे आप खुद ही आपको बहुत सुंदर लगने लगे। आपको आप खुद के प्यार में पड़ गए हो, आप खुद को लेकर अट्रैक्शन हो रहा है, आपको न्यू बिगनिंग आपने लाइफ में की है, नहीं तो आपको करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, वही तो मैंने बोला, बदलाव आपने ला, आप पहले आप ककुन में रहते थे, अब आप बटरफ्लाई बन चुके हैं। बहुत बदलाव ला रहे हैं यहाँ पे। 22, 41, 2, 8, 6 नंबर, अब तक 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, न्यू डे 11 नंबर भी आ चुका है भाई। न्यू डे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बटरफ्लाई उड़ने के लिए रेडी है। यह बदलाव आपने आ चुका है, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस की है आपने, आपने लाइफ में नए बदलाव कब से लाना शुरू कर दिया, जब से आपने खुद के ऊपर प्यार करना शुरू कर दिया। अगर बहुत ज़्यादा ये डेविल की एनर्जी भी लगती है कि सेक्सुअल एडिक्शन आप में था, तो मुझे लगता है आपने वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिया काफ़ी कुछ। इंटीग्रेशन, अरे इतने मास्टर नंबर कैसे आ रहे, 11, 22, 33, किसके लिए मैसेज आ रही भाई ऐसे। टीचिंग, लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, आप इंटीग्रेशन के एनर्जी में आ चुके हैं, जुड़ाव एकता के एनर्जी में आ चुके हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को आपने अनलॉक कर दिया है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़। जीज, ट्रिपिंग इन इल्यूजन, देखिए दो बातें, या तो अच्छी चीज़ें इमेजिन करना सीखिए, बट ज़्यादा इल्यूजन में मत रहिए, मुंगीरे लाल मत बनिए। चीज़ें, कुछ गलत आदतें आप में थी, उसको आपको एंड करना है, अगर नहीं किया है तो उसको आप एंड करना है, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। लाइफ इम्बैलेंस ये धीरे धीरे कर आप उसको पटरी पे ला रहे हैं, और मेरे काफ़ी सारे लोग या तो आपको करनी है बातें, नहीं तो ये आपके लाइफ में हो चुकी है, ये बदलाव आप में आया है। आपके पर्सन ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आपने अंदर से सीखी है, जोड़ी है, और सेल्फ लव, जैसे कि हर चक्र का एनर्जी आप पे बॉटम ऑफ द डेक आया था, वही से उभर कर सेल्फ लव आ रहा है। कब आ रहा है, जब भी निगेटिव चीज़ें आपने एंड कर दी खुद के अंदर से, सेल्फ लव में जैसे आप आए वैसे आपके लाइफ ने अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी। आप अंदर से जैसे शेल्टर में रहने वाले थे पहले,
ओपन होकर आप कोई बात नहीं करते थे, तो आप अब ऊपर आकर फोकस आउट होकर हर चीज़ करने लगे, जैसे ककून से बाहर आ चुके, आपका बदलाव आ चुका। काफ़ी सारे लोग जैसे सेल्फ लव में आ गए, तो ऐसे उनमें काफ़ी करेज, स्ट्रेंथ, पावर आ चुकी। पहले आप कोई बात स्टार्ट करने के लिए हिचकिचाते थे, आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ले कैसे करूं, हर चीज़ से डरते थे, बट आप में अब ये बदलाव आ चुका है कि आप कोई भी बात बहुत कॉन्फिडेंटली करते हो। बात रिलेशनशिप की हो, करेज की हो, करियर की हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप में अगर आप पहले सिर्फ काम करते थे, बोलने के लिए डरते थे, अपना ओपिनियन रखने के लिए डरते थे, अब आप में ही बदलाव आ चुका है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए खड़े होते हो। आपको लगता है कि आपकी जो कोई हॉबीज आपने छोड़ दी थी जिम्मेदारी के चलते कारण, अब आप अपने हॉबीज़ को ट्राई कर रहे हैं, अपने हॉबीज़ को आप फोकस आउट कर रहे हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस भी मिल रही है। ऐसे नहीं आपने सेल्फ स्टार्ट किया, उसमें आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो, आप खुद के अंदर आप बदलाव ला रहे थे, आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, खुद के अंदर की पावर आप जगा रहे थे, और आप उसमें सक्सेसफुल हो चुके हो, या फिर आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है। आपके लिए नए बिगनिंग आपने कर दी, और फिर नया दिन, नया सूरज आपके लिए हो गया, और वैसे जैसा नया सूरज आपके लाइफ में जागृत हुआ, जैसे आपको नई सीख मिली, नया जन्म जैसे आपको मिला एक ककून से निकल कर, वैसे आप एक बटरफ्लाई की तरह हर जगह पे चहक रहे हो, महक रहे हो, फेम बढ़ रही है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप एकता की भावना को समझ गए हो। अब एकता, देखिए एकता आप में पहले से ही जुड़ी थी, बट यहाँ पे आप एनर्जी को, पावर को, डेडिकेशन को, फीलिंग को, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपके लाइफ में आपको इतनी दिक्कतें हो रही थी, रिलेशनशिप में धोखे हो रहे थे। रिलेशनशिप में इतनी धोखा होने की एक ही बात थी कि आप अपने इमोशंस को संभाल कर रखें, अपने फीलिंग्स को संभाल कर रखें, वहाँ पे वेस्ट ऑफ मटेरियल नहीं जाने देनी है। एनर्जी, चीजिंग, डेडिकेशनल लव, डिवोशनल लव, इट्स अ वेरी प्रीशियस, और ये किसी को यूं ही किसी के ऊपर उड़ा देना, तो आपको पता नहीं इतनी एनर्जी गेन करने के लिए फिर कितने जन्म आगे लेके लेने पड़ेंगे, या फिर इसी जन्म में और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्स से देख कर तो परेशान थे कि आप यूँ ही अपनी एनर्जी किसी के ऊपर जाने दे रहे हो, तो इस यूनिवर्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है ढेरों आप यूट्यूब वीडियो देखिए, ढेरों आप सब कुछ करें, यहाँ से एनर्जी जहाँ तक जा रही थी, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फिर कोई धोखा, कोई चीटिंग, ऐसा था, अरे देख देख कर आप परेशान होते थे। बट आपके सामने कोई ना कोई नॉलेजेबल वीडियो भी आई होंगी मुझे लगता है, बट आपने इतनी ढेर सारी वीडियो देखने के चक्कर में कोई नॉलेजेबल वीडियो छोड़ दी हो। यूनिवर्स ने आपके सामने डेफिनेटली वो भी कोशिश की होगी, बट आपने वहाँ से कुछ सीखा नहीं, टीचिंग आपने वो किया नहीं, इसीलिए आप तब तक ये चीज़ें आपके लाइफ में फेस करते रहे जब तक आप हर चीज़ के पीछे का लॉजिक नहीं समझे। अब ये लॉजिक समझने के बाद अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपके लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, अबेंडेंस की पॉसिबिलिटीज आनी ही आनी है। तो इल्यूजन में मत रहिए। देखिए ये एक मिथ्या है, यहाँ पे मेरा पति, मेरा प्यार, मुझे धोखा किया, मुझे चीटिंग किया, मेरे साथ खिलवाड़ की, मेरे बच्चे, ये सब कुछ मिथ्या है। सिर्फ आप अकेले, आपके लाइफ का एक अकेला सच हो जिसको आपको जीना है, जिसको आपको ढूंढना है, और उसको ढूंढ कर आपको सही पाथ पे लाना है। ड्यूटीज़ आपको करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, बट आप क्या कर रहे हो ना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के चक्कर में जो आपकी खुद की भी एक ओन जर्नी है, खुद को तलाशना है, खुद को सही पाथ पे लाना है, खुद को सही लाइन पे लाना है, वो आप भूल रहे हो और इन्हीं लोगों में फंसते जा रहे हो, और यहाँ से आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है और आप उस पाथ पे नहीं जा रहे हो तो यूनिवर्स आपको वो देगा ही नहीं। यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इशारे आप समझ ले, जान ले। आपके जमा के लिए क्या गाइडेंस दे रहे देखते हैं। जाके जा माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ, मैंने वही बोला, आपकी खुद की एक जर्नी है, आप खुद का एक ट्रूथ है, और सबसे पहले क्या है, आप लोगों को अलाउ क्यों करते हैं कोई आपको दुखी करे, आप खुद सक्षम हो, आपको खुश रहने का अधिकार है, तो पहले डिसाइड करो
कि इसके बाद आपको सिर्फ खुशी खुश रहना है, क्योंकि लोग आपको खुश नहीं करेंगे, आपको खुश आप खुद ही करेंगे। योर इनर चाइल्ड गाइडेंस इज़ अ रियल एंड ट्रस्ट वर्दी। मैंने बोला आप हमारे पास एक अंदरूनी शक्ति होती है, अंदरूनी पावर होती है। कोई इसी को इंट्यूशन बोलता है, कोई इसको हायर सेल्फ बोलता है, कोई इसको इनर चाइल्ड बोलता है, इनर गाइडेंस बोलता है। कुछ भी बात हो, अंदर से कोई चीज़ आपको समझाने की कोशिश हो रही है तो उसके ऊपर गौर करो, उसके ऊपर काम करो। ये सही, यही एक सही और सच आपके लिए गाइडेंस है, यही एक सच आपके लिए सॉल्यूशन है, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को सही मायने से सक्सेसफुल कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है, डरना नहीं है। टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। जी, कोई चीज लाइफ में समस्या किसी की चल रही है जिसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, सोच समझ कर डिसीजन ले, अपना डिसीजन ले। सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। किसी के लाइफ में डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। सिचुएशन को लेकर मुझे अभी भी 3 मैसेज आए हैं। किसी के लाइफ में सच में सिचुएशन बहुत ही डरावनी है, डेंजर है, जहाँ पे सोच समझ कर डिसीजन लेना ज़रूरी है। किसी के लाइफ की सिचुएशन ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, बट आप अभी भी उस पास्ट वाली डार्क एनर्जी से स्टक हो, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं रहे हो। आपको आर्कएंजल बोल रहे हैं जिनके लाइफ की सिचुएशन ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है, ज़्यादा आपको निगेटिव पास्ट में जाकर सिचुएशन को अटैच रहना नहीं है, उनको डिटैच कर दीजिए। और अगर आपके लाइफ में सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक है और जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप ऐसी सिचुएशन से खुद को डिटैच कर सकते हैं। गॉड इज़ इन चार्ज। ईश्वर तो आपके हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है, और अभी भी आपको ईश्वर हेल्प कर रहे हैं। इनके दूत या तो आपको हेल्प दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे चीज़ों को। इनोसेंस लाइफ में रहना जरूरी। देखिए यहाँ पे एनर्जी से इनोसेंस रही है लाइफ में, यहाँ पे इनोसेंस रहेंगे, इनोसेंट बनकर रहेंगे तो लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। इनोसेंस एंजल से बनिए, जो आप बताएंगे हम वो करेंगे, इस एनर्जी में आपको आना है। और आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको? इटर्नल लव। जी, आपके अंदर आप देखिए गॉड के लव को, अंदर के प्यार को, गॉड के अंदर के प्यार को समझिए गाइस। जिस जो अंदर जुड़ गया ना, अंदर के ईश्वर से जुड़ गया ना, समझ जाएंगे लव की एक्चुअल डिसीजन डेफिनेशन क्या है, आप समझ जाएंगे। और जब आप अपने अंदर के भगवान से इस तरीके से मिल जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा कि सच में लाइफ कितनी मिथ्या थी, लोग कितने मिथ्य थे और किसके पीछे में भाग रही थी। ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, समर्पित भावना से जाना है, देखना है ईश्वर कैसे जुड़ते हैं। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। मैंने यहाँ पे जो इल्यूजन का कार्ड आया था, मैंने बोला था आपको कि आपको अच्छी अच्छी बातें इमेजिन करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि आपकी क्रिएटिविटी आप कितने पॉजिटिव तरीके से डेवलप करती हो, और उस क्रिएटिविटी को डेवलप करके उस सिचुएशन को इमेजिन करती हो। मानो आपके लाइफ में आपके हस्बैंड आपको बहुत धोखा दे रहे हैं और आपको चाहिए हस्बैंड का प्यार चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप? ट्रस्ट करके, यूनिवर्स मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मैं जो कुछ भी इमेजिन कर रही हूँ आपने वो ऑलरेडी मेरे लाइफ में दे दिया है। और इसके बाद अगर आप इमेजिन करती हो कि आपके हस्बैंड बहुत लॉयल हो चुके हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये चीज़ें जायज़ है, नाजायज़ चीज़ों के लिए यूनिवर्स कभी हेल्प नहीं करती, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। अब जायज़ ना जायज़ ये यूनिवर्स खुद तय करेंगे। आप अपनी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आपको समझ आएगा ये चीज़ें ग्रांटेड थी तो उसको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी। फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। अगर कोई बात लेकर आपके मन में ग्रज है, अब ये हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसको ये समाज मान्यता नहीं देता है, बट आप अपने पर्सन को तहे दिल से प्यार कर रहे हो, आप इनसे प्यार चाह रहे हो और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपके अंदर गिल्ट है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो मैंने अभी बोला ना कि ये चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स खुद देखेंगी, क्योंकि
ये तो अंदर की बात है, तो खुद यूनिवर्स से डिवाइन ही जानता है कि क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सोच कर आए हैं, ये आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, सिर्फ यूनिवर्स को पता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चीज़ें एक्सेप्टेंस मोड में आओ, यूनिवर्स पे भरोसा करो और चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दो। ये चीज़ें आपके लिए वर्क होती है तो समझ लेना यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, नहीं वर्क होती है तो और जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों नहीं हो रही है और क्या करना ज़रूरी है, आपको आंसर मिल जाएंगे। इसीलिए तो मैंने इसको एनर्जी साइंस बोला है। हर चीज़ यहाँ पे वर्कआउट होती, कुछ भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं जाती। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।